बच्चा लोग खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पूर्णिया जिला के ऐसे इलाके में हैं जहां पे आज तक अभी शासन प्रशासन की पहुंच नहीं बन पाई है, ना उन गांव में कोई सुविधा पहुंच पाई है। जिला प्रशासन की पहुंच नहीं होने की वजह से यहां पे लोग ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं। हम लोग पूर्णिया के बैसा ब्लॉक के हरिया खाल गांव में हैं और जिसको टिक्कर टोला भी कहते हैं। और ये गांव मूलतः आदिवासी समुदाय का गांव है। लोग यहां जैसे तैसे रहते हैं। लगभग 6 किलोमीटर लंबा एक बांध पर यह गांव टिका हुआ। इस तरह के कई टोले हैं। तो यहाँ पे देखिए मानंदा का ये किनारा आप देख रहे होंगे। मानंदा यहाँ दो हिस्सों में बंटती है, एक उधर से निकलती है जो बलिया मंजोक का इलाका है, ये किशनगंज अंचल का हिस्सा है, और एक इधर से निकलती है जो किशनगंज और पूर्णिया जिले को अलग हिस्सों में बांटती है। सामने आप देख रहे हैं वो चकला का इलाका है, चकला पंचायत का इलाका है, ये चकिया चकंदरा का इलाका है जो बारामसिया पावर ग्रिड आप देख रहे हैं, ये कोचादामन थाना क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक क्षेत्र का हिस्सा है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पीपल टोला का हिस्सा है जो बैसा ब्लॉक का हिस्सा इसी पंचायत का हिस्सा है। और ये जो पंचायत है आपका चंदवार पंचायत में आता है। क्या क्या मुसीबतें हैं, आप लोग नदी से कैसे झेलते हैं, कैसे रहते हैं आप लोग बताइए। मुश्किल है, नदी 30 फीट के करीब आ गया है, इसका घर टूटने वाला है। हाँ। यानी कि कुछ दिन के बाद ही, यानी कि कई दिन के बाद ही पानी भरता जाएगा, मुसीबतें बढ़ती जाएगी यानी कि गिर जाएगा पानी में इसका घर। 2017 में भी तो बड़ी तबाही हुई थी यहाँ पे। हाँ सर, वो उस टाइम दूर में था सर। अच्छा, दूर में, अभी तो ये तो सड़ गया सर, सड़ गया घर के बगल में। तो उस वक्त आप लोग कहाँ पे थे 2017 में? उस पर तो हम लोग, उस पर हम लोग को टपा लिया था स्कूल में, स्कूल में मोटर बोट के द्वारा, मोटर वाला ये आया था, ये वहाँ पर शरण लिए हुए थे। और बाकी बात जो हम लोग का माल मवेशी था से बांध के बांध पर था, जितना ही माल में, लेकिन जब लौटे थे सारे भास गए थे, बहुत भास गया था, बहुत कुछ रह गया था। हाँ, सबका ऐसा ही स्थिति है हम लोगों का। राशन कार्ड भी भास गया है। यहाँ ये क्या आप लोगों का राशन कार्ड भास गया है? अच्छा, अब कहाँ मिलेगा राशन कार्ड हम लोगों को? राशन नहीं मिलता है? राशन तो मिलता है, वही मैंने हाफ मिलता है, हाफ मिलता है, ये चीज है। तो आपकी क्या मुसीबत है यहाँ पे? बाहर आना जाना दवाई वगैरह के लिए क्या करते हैं? नदी पार कर कैसे करते हैं? नदी पार करे हम सब जवा हचिए, हमारा नदी नदी किनारे थी ना, साधन से हमरा वही पार यही पार जवा आशा करो ही। और बहुत मुसीबत बाढ़ पीड़ित तो हम सब, मैंने आज तक कभी कोई मदद मिले सरकारी? नहीं नहीं नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं मिले। ये बरसात खुना तो नावों नहीं जाचे, सैलाब बहन जा तो नावों नहीं जाचे, यहाँ बिना खाना पीना बिगर भूखा प्यास रहची। अच्छा, आप यहाँ नदी हो चले वो की चाची साहब तुम्हारा की चाची? हम सर रेशन काटो धेरा 12 जना छी, यहाँ 6 जना रेशन मिलो, 6 जना नहीं मिलो सर। अगर पूरा अगर हो जाए तो हम सर बहुत ठीक होबे, लेकिन की रकम लेकिन लागो के तो ब्रिज मिलबे केने नहीं, ओइटा ओइ पका केने नहीं मिलबे, ओइ पका अगर ब्रिज हो गेले एते बड़का बड़का जे जब सरकार जो छे ना हम चार नहीं। यहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर जैसे तैसे रहते हैं और बहुत परेशानी है कालम में, न गांव में बिजली है, न सड़क है, न कुछ है। की मुसीबत बताओ यहाँ कर, नदी कटान बाने के बारे? नदी कटान क्या बताएंगे, नदी कटान देखिए जे यहाँ पे इतना स्थिति खराब हो जाता है बाढ़ पर। यहाँ बाढ़ आ जाता है तो खाना पीना के लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ ना नाव मिलता है ना कुछ मिलता है, टिकर में व्यवस्था कुछ नहीं है। इस तरह से स्थिति पड़ता है जब वो मगे का सत्तुगा के बैठने रहने पड़ता है। और 2017 के तरह बाढ़ आए तो उसका तरह बाढ़ आएगा तो पूरा तो भस जाने पड़ेगा। यहाँ पे किसका किसके घर में जाके रहा, वहाँ जाके खाना भी नहीं मिला, वहाँ क्या दाल पूरी जो खिलाया दिन भर में एक टाइम, यही हालत से सबका स्थिति में जा रहा है। तो बाढ़ पीड़ित क्या होते हैं, इन लोगों से बेहतर कोई नहीं आपको बता सकता है। बाढ़ का दर्द, बाढ़ की बेबसी। तो ये जो टिक्कर टोला का जो इलाका है, हमेशा आप लोग लगभग 1987 के भी बाढ़ में थे, तब कैसे थे आप लोग? तभी बहुत स्थिति खराब था। अच्छा, घर का ऊपर में आदमी रह गया था। अच्छा, आज के ऊपर में जगह बैठ रहा। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि नाव पार करके ये लोग इस पार से उस पार जा सके। मानंदा हमारे इलाके की बहुत ही खतरनाक नदियां मानी जाती है और नाव पे पार करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे प्रशासन के तरफ से ना कोई लाइफ सेविंग जैकेट होता है, ना किसी तरह की कोई सुविधा होती है।
और यहाँ से जिला मुख्यालय 100 किलोमीटर के फासले पर है। इन लोगों को अगर इमरजेंसी में कुछ करना पड़े तो किशनगंज ही एक उपाय है या एक सहारा है, किशनगंज के ही लोग इनके लिए आगे आते हैं। तो आखिर में मांग क्या चाहते हैं, मांग क्या है आप लोगों का? यहाँ मांग है हम लोग को सारा व्यवस्था होना चाहिए, कटान भी कट रहा है, बस्ती कट रहा है, इसमें बंडल होना चाहिए। अरे यहाँ पुल का जरूरी है, क्या चाहते हैं? ये पुल का जरूरत है, हम लोग सब टाइम बोलते हैं। की चाची मुई की चाची मुई बिजली पुल स्कूल रास्ता सब ला चाची थी। आज तक कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला। स्कूल जरूरी है ना, सभी को पढ़वा चाची। तो देखे यहाँ बार बरसात की मुसीबत अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। इनको अस्पताल और स्कूल की सख्त ज़रूरत है। टिक्का टोला से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। मसूद आलम, दिलनवाज आलम, मामून अजमल राही और कौशल साहब को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।